हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। आज जो है कर लूंगे, फूफा जी बहुत सारा सामान लेकर के आए हैं मानिका के बर्थडे के लिए। फूफा जी ये वाले पास वाले फूफा जी और मंजो दीदी नहीं आई है, नहीं ने मनाया है क्योंकि वे बर्थडे वाले दिन ही आएंगे। तो अभी बैठ करके बातें कर रहे हैं। आलू टमाटर की सब्जी पूरी बनाई है, पहले दूध और पेड़ा दिया था और वानिका इधर आ गई है अभी। अच्छा, नहीं नहीं भाई साहब, जन्मदिन आने वाला है, जब भी दे दियो बस। नहीं ऐसा नहीं करते, परसों को नहीं गलत के। नहीं नहीं वाणी नहीं लेते, बाय बाय। नहीं 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 हाँ, इसकी बुआ ने है ना इसके लिए 50 रुपए भेजे थे वहाँ से, पानी बस है तो आते ही दे दिए। मैंने मगर ये तेरी बुआ जी ने भेजे भाई सरप्राइज। मैं फोन में पूछा की मैंने कहा वो भी तुमने दिया क्यों नहीं। फिर यो 2-3 दिन तक नहीं कहते रहा चीटिंग। ठीक है भाई साहब, उस दिन आ जाइए टाइम सबने सुबह से ही। वाणिका अपने पापा का जो है पर्स वो लेकर के आई है और ये कह रही है कि पापा मुझे अपने 10 रुपए भी आपके पर्स में रखने हैं। वाओ, कितनी समझदार है हमारी बेबी। और कन्नू उधर पूरिया खा रहा है रुखी अचार के साथ में। आलू टमाटर की जो सब्जी बनाई थी मैंने पतली सी, तो उसमें है मिर्च, इस वजह से खाई नहीं है वो वाली सब्जी और अचार से खा रहा है। टमाटर से खवा दो ना, टमाटर से खवा दो। वो कैसे करके खा रहा, कितनी बदतमीजी से कर रहा है। बहुत सारा सामान जो छोड़ करके गए हैं कन्नू के फूफा जी भाई साहब। और मैं दिखाती हूँ, सबसे पहले तो ये 5 किलो गोभी है। ये 5 किलो गोभी है, हमारे फ्रिज में भी नहीं आएंगी। ये कह रहे थे कि मैं इससे अच्छा तो मैं अपने फ्रिज में ही रख लेता। और ये आलू है, 3 दड़ी और भी बहुत सारा सामान है, प्याज है, टमाटर है। और ये क्या है, इनका तो नाम नहीं मुझे पता, इनको क्या कहते हैं? सेब चना, सेब चना है ना, सेब चने की फली है। मिक्स सब्जी बनेगी ना, पनीर की मिक्स सब्जी और पनीर की सब्जी और छोले और इसमें भी होगा बहुत सारा हमारे मूवी में। तो आज वाणिका के फूफा जी इतना सारा सामान लेकर के आए हैं। जान दो ले आप दो, इसलिए बनाऊंगा। बोल बोल। आज वाणिका के फूफा जी इतना सारा सामान लेकर के आए हैं, तो वाणिका देख करके उसको बहुत खुश हो रही है। लगा दिया सारा का सारा लाइन में, तो दिखा रही हूं वाणिका क्या क्या सामान लेकर के आए हैं। मेरे पापा ये देखिए, ये गोभी है बिल्कुल फ्रेश, मंडी में से लेकर के आए, बहुत ही बढ़िया हमारी गोभी। और टमाटर है, 5 किलो टमाटर, 5 किलो गोभी। और इसमें है सलाद का सामान, नींबू है, गाजर है। और ये है 5 किलो प्याज, प्याज भी लेकर के आए हैं। तो ये तो हो गई सब्जी, 15 किलो लाए हैं। आलू, आलू का कट्टा लेकर के आए हैं। ये तो हो गई सब्जी और पनीर वगैरह उसी दिन लिया जाएगा क्योंकि मतलब इसका बर्थडे होगा। ये है सेब चने की फली, मिक्स सब्जी बनेगी ना और पनीर की सब्जी बनेगी, छोले की सब्जी बनेगी। पापा चिन्नी का कच्चा भी लेकर के आ गए। और ये सामान ये देखिए, इसमें खीरे हैं, हरी मिर्च है, इनका घर घी। इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं देसी घी से। देसी घी आया है आनंदा का। और नमक की थैली, हल्दी 1 पाव, काला नमक जो दही बूंदी के रायते में गिरेगा, ये है बूंदी, ऐसा आने की भी नहीं, ये है गरम मसाला, पनीर वाला, कन्नु चुप हो जा बेटा एक मिनट, पनीर वाला गरम मसाला, देगी मिर्च, ये है छोले वाला मसाला, छोले वाला मसाला ये है। और इसमें है कसूरी मेथी, ये इसमें कसूरी मेथी है, ये है चटनी चाट मसाला और ये इसमें भी कसूरी मेथी है। लाल मिर्च का पाउडर है और हींग की डिब्बी है यहाँ पर।
ये जीरा है, इतना सारा जीरा, लौंग, इलायची और काली मिर्च, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो सारे से सारा सामान जो है मैंने दिखा दिया है। अब ये है डालडा घी, डालडा घी में शायद रसगुल्लों में डलेगा। डालडा घी चार थैलियां हैं। और ये है चावल, ये है मैदा, तीन या चार किलो मैदा होगा ये। और इसमें पन्नी में भी देखती हूँ। और ये है छोले, छोले की भी सब्जी मिलेगी। इस पन्नी में देखती हूँ क्या क्या सामान है। और बच्चे बहुत खुश है मतलब सारा सामान देख करके। ये है पनीर का शाही पनीर मसाला, ये है शाही पनीर मसाला, अलग आता है सौंफ अलग से। और ये है ये क्या, ये है पिस्ता नहीं है, ये चिरौंजी है, चिरौंजी चिरौंजी चिरौंजी। इसमें है बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पाउडर तो हमारे घर पे दो पैकेट और रखे हैं। और ये है ये कलर है, कलर कलर भी मंगा रखा है। और ये देखिए धनिया पाउडर, ये क्या चीज है, ये है बड़ी इलायची, काजू एक पाव, काजू एक पाव, बादाम। और ये क्या है, ये है सोडा। तो सारा सामान जो है हमारा तैयार हो चुका है। बस अब हलवाई की वेट कर रहे हैं कि तब कल आ जाएंगे हलवाई भी, और कल से हमें खाना बनाना शुरू कर देंगे। फाइनली तकत दोनों के दोनों तैयार हो गए हैं। और ये बस इसमें लास्ट में पैंच लगने लग रहे हैं, तो पैंच लगाने के लिए भी अब है ना पैंच कस की जरूरत नहीं होती। ठीक कह रहा बिल्कुल, और काफी देर से लग रहे हैं। और एक जो है ना प्लाई कटिंग कर दिया है, तो इसमें तो कुछ और बन जाएगा बढ़िया सी चीज़। ये भी बढ़िया लग रही है प्लाई कट के भी, इसमें पटड़ी वटड़ी बन जाएगी, बहुत सारी पटड़ी निकल जाएगी। कन्नू तो डांस भी कर रहा है, कन्नू बेटा ला रहा इनके पैर में चोट लग रही है ना, तो वाणी का जैसे ही उठ कर चलते हैं ये, तो इनकी उंगली पकड़ लेती है। चलो 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 चलो, ये पता नहीं कि उंगली पकड़ने से और ज्यादा दर्द होगा, है ना, है ना। इसको पकड़ लो, तो मेरे इसको इसको पकड़ के लेके चलो। हाँ ये देखो कितना ध्यान रखती है। और परी को तो पता ही नहीं, परी को तो पता है आपके पैर में चोट लग गई है, और परा परा तो गायब है यहाँ से। और फूल देखो, व्हाइट कलर के फूल कितने कितने ज्यादा खिल रहे हैं, बहुत ज्यादा खिल रहे हैं। इतने फूल तो मैंने देखे ही नहीं कभी इस पे। मतलब के जाओगे वाणी? अच्छा तकिया लाके दो पापा को, तकिया। हाँ यहाँ तकिया लगाने का, आराम से जाओ, आराम से आओ। आज मानेगा दो बार खाट पर से गिर लिया मैंने, दोनों तरफ उठा लीजिए, दोनों बार पैर अड़ा दिया ना, हाथ अड़ा दिया कहीं। पैर में दर्द हो गया, इसको उठा दे। अच्छा अरे देखो तो अपने वाला ही लेके आई, अपने वाला ही लेके आई। सिर 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 का इसने, पैर के लिए भी लेके आओ, पैर के लिए भी बड़े वाला। बस 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 कोई बात नहीं, पैर के लिए भी ले आओ। और मेरा बेबी, अरे मेरा बेबी कितना बड़े काम हो, अरे कितना भारी तकिया, हल्का है तकिया वैसे तो, पैर के नीचे रख दो, कितना काम करता है मेरा बेबी। थैंक यू। पापा के पैर के नीचे, पापा के सर के नीचे, सारे के सारे जो तकिए हैं पापा को ही चाहिए, और कोई तकिए ना ले सके बिल्कुल भी। और नौ तकिए बनाए थे, नौ क्या दस, दस तकिए हो गए इसे मिला के जो उनसे ले रही है। और ये नौ देखो, ये भी अब इसकी रस्म में ये भी पापा की परवाह करने लगा है।
ये भी एक तो क्या पापा को परीने लगा है, एक तो परा लगा रहा है, दूसरा तक क्या। वाह भाई वाह, पूरी सेवा चल रही है पापा की आजकल। और ये वाणी का गलाबादी, वाणी की गलाबादी कुछ इस तरीके की है। ये देखो कौन से एक्सरसाइज करता है खाना पीना खाने के बाद। बस लास्ट में मेरा दूध गर्म करना रह गया है, 9:30 बज गए हैं, अभी तक बच्चे खेल कूद कर रहे हैं। और बना दूं? हाँ, हाँ। इतने सारे तकिए तकिए चाहिए। दो पापा के बेड पे, दो पापा के पास, अरे एक ही बचा। कमरे में सारी जगह कपड़े कपड़े फैला दिए हैं, ये देखिए इधर भी उधर भी सारी जगह है, यहाँ पे भी वहाँ पे भी कपड़े ही कपड़े। तकिए बेटा पापा के पास ही है सारे, यहाँ से बाहर ही जा रहे क्योंकि मैंने आज तक कवर धोए थे तो इसलिए चेंज हो गए। ठीक है।